दो तीन जैकेटें एक पहनी हुई है, दो तीन शर्टें और बहुत सारी टी शर्टें मैंने सारी उठा ली है ऐसे, ताकि इनको प्रेस तो यार तीन शर्टें ही करवानी है, बाकी सब चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं, वो मम्मी नीचे ही है। इतने कपड़ों की ज़रूरत लाइफ में मुझे पहली बार पड़ी है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं करवाया। तो आज मेरे को करवाना है अपना फ़ोटोशूट। वो क्यों करवाना है, मैंने फ़िलहाल नए कपड़े तो नहीं लिए, जो मेरे पास ऑलरेडी आपने ब्लॉग्स में देखे हैं पहने वो वही वाले हैं, क्योंकि मेरे को ना एक छोटा सा काम था, छोटा सा ही है काम, तो जिसके लिए इतने कपड़ों की ज़रूरत है। तो फिलहाल इधर ना बसंत के मौसम में ऐसे वाले पीले फूल देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक छोटा सा फ़ोटोशूट करवाना है मेरे को, तो जिसके लिए इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई। मैं सुबह कॉल करके पूछा भी कि क्या ड्रेस कोड चाहिए, तो वो कि दो तीन जैकेट्स और अपना टी शर्ट वगैरह ले आना, फिर देख लेंगे वहाँ पे क्या होगा, तो उस हिसाब से हम चल पड़े। और हाँ एक बात और, भैया ने बोला कि आते हुए गूगल भी ले आना, लेकिन गूगल मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा मन है। वो यूज़ क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को आई साइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से गूगल लगाऊंगा तो विजिबिलिटी अच्छे से नहीं बन पाएगी, कभी ना ही कभी मैंने ट्राई किया कि कैसा लगेगा फेस के ऊपर कैसा नहीं, तो देखते अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। लंबा जाम लगाते हैं इसकी वजह से। अपनी शूट वाली लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, तो कुछ इस तरह का है रास्ता, ये सारी मेरे को चढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, बहुत मुश्किल है, तो पैर बड़े दबा दबा के रखने पड़ रहे कहीं फिसल ना जाए। ये छोटी सी पहाड़ी चढ़नी है, तो हमारा जो शूट है वो पहाड़ी के ऊपर है, क्योंकि हम नेचर लवर है और हाइट में ही हमको फ़ोटोशूट करवाना अच्छा लगा, तो भैया ने भी यही वाली लोकेशन डिसाइड की थी। तो फिलहाल जो हम हैं चढ़ चुके हैं पहाड़ी पे। ऐसे रास्तों पे चढ़ना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि गांव के लोग हैं तो इजीली चढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से है मेरे बैक साइड का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सनसेट भी हो रहा है, तो यही वाला टाइम बढ़िया रहेगा, तो इस तरफ से कुछ ऐसे आ जाएगा सन का रिफ्लेक्शन है ना, और फेस भी चमक जाएगा। तो चंदा मामा जी भी आ गए, उठा के रखे हुए जैसे मैं कहीं छत से सूखने डाले हुए थे, और उतार कर लेके जा रहा हूँ नीचे। तो फिलहाल नीचे जा रहा हूँ क्योंकि अभी आए नहीं, पता नहीं मेरे को डाउट हो रहा है, एक तो ये वाली पहाड़ी है, एक बिल्कुल सामने पहाड़ी है, शायद वहाँ पे ना जाना हो, क्योंकि वो वाली लोकेशन मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है, और बीच में कांटे आ रहे हैं, तो ये मेरे कपड़ों को पकड़ रहे हैं कि नहीं उतरने दे रहे कि भाई आप रुको यहीं पर, आज रात यहीं पर बिताओ हमारे साथ। तो फिलहाल नीचे उतरते हैं, आज तो लगता है पतले हो जाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अभी उसके बाद उनका टाइम भी लगेगा, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ओ भाई गया 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 गया, बच गया। ये कैसी खड़ी पहाड़ी है, तो फाइनली जो शूट वाले भैया वो आ चुके हैं, और फिर से यही वाली पहाड़ी चढ़नी पड़ी हमें, तो अभी तो बस हो गई है, थक चुके हैं। हैं भैया कपल वगैरह आना हो उनको दिक्कत होगी है ना, अरे हमारे फोटोशूट करने वाले भैया, और वो थोड़ा सा शाई फील कर रहा हूँ, लाइफ में पहली बार अपना ऐसे फ़ोटोशूट करवा रहा हूँ, तो पहले कभी नहीं करवाया, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसा फील हो रहा है। भैया और कितना चढ़ाओगे, जय माता दी है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। आप तो आते होंगे यहाँ पे रेगुलर, टाइम आए हो। ये मेरी लोकेशन दी कि मेरे को नेचर के पास ही करवाना था फ़ोटोशूट, लेकिन नेचर ने बस करवा दी हमारी, इतनी चढ़ाई चढ़ा रहे हैं कि पूछो ही मत। तो अभी वो नीचे से हम चढ़ते हुए यहाँ पे आ गए, अभी हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है। थक गए, चार पाँच गिलास बोतल लेके आऊँ देखो, बोलना भी नहीं आ रहा। हाँ पानी है, पानी की दिक्कत नहीं है, बोतल पानी भी है। हाँ पानी लेके आना चाहिए, पानी की दिक्कत नहीं है, बोतलें नहीं, वो देखो पानी है, नीचे जाओ पानी लेने। हमारे जो कपड़े वगैरह थे वो सारे हमने यहाँ पे रख दिए, लोकेशन सेट की है, तो पीछे पहाड़ है, तो इस तरफ खाई और पानी, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। तेरी दी सीधी खाई है,
अभी गिरा नीचे। फिलहाल भैया अपना सेटअप निकाल रहे हैं, तो ये इनकी लाइट्स और ट्राइपॉड पे आके पता चला कि कैसा एरिया, चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है, इधर से पहाड़ी है, ऐसे 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 पहाड़ी। अभी एक राउंड हो गया हमारा, अभी सेकंड राउंड लेना हमने, तो बाद में फाइनल करेंगे कौन सा बेस्ट है। तो अभी ट्राइपॉड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपना फोटो शूट करवा रहा हूँ, तो फिलहाल कैमरा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। भाई अद्धा ही कैमरा लेके ना, थोड़ा इधर हो जाओ। नहीं नहीं रुको, तू ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं समझे इधर नो आना। हाँ नहीं तुझे आना। हाँ हाँ करो फेस। हाँ वेट पेस्ट। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि बार बार ना कांटे फंस रहे हैं शर्टों में, कह रहे कि यहीं पर रुके रहो। निकल जा भाई, अब कब निकलेगा तू, एक तरफ से निकलता है दूसरी तरफ से फंस जाता है। अभी सही है, फिर से एक नई ड्रेस चेंज। मेरे ना जो हेयर थे ना वो दोबारा हवा से हिल रहे हैं, तो एक्चुअली मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, अच्छे से वैक्स वगैरह करवाई थी, तो पहले तो सेट थे, लेकिन कपड़े वगैरह चेंज करो तो फिर से ख़राब हो रहे हैं। तो अभी फिर से एक नई ड्रेस चेंज कर ली है, जैकेट चेंज की है, और मतलब टी शर्ट भी वही है, लेकिन नीचे जो अपना पैंट और शूज़ है वही सेम है, मतलब कि ऊपर से ही मतलब है। घर में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी मैं अपर चेंज कर लेता हूँ, लेकिन लोअर चेंज नहीं करता, क्योंकि वीडियो में हमेशा अपर ही दिखाई देता है मैक्सिमम। अभी पक्षी जा रहे हैं यहाँ पे डार बना के, यहाँ पे बैठा दे कि आप ऐसे बैठ जाओ, सूरज को देखो, सामने जो खेत है उनको देखो कि फसल होगी है या नहीं, ऐसे फील करना है। भैया पीछे से नेचुरल फ़ोटो ले लेंगे। आप वादियों में बैठे हो और यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हो गर्मा गर्म, और सामने खेत देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, पानी देख रहे हो। अभी कितनी देर से खड़ा हूँ, कभी भैया उधर से कभी इधर से, तो कह रहे कि स्माइल दो, तो फेक स्माइल देने के लिए जब मैं फेक स्माइल देता हूँ तो लिप्स ने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं हल्के हल्के से, है ना। मैं चेक की तो मैं क्या पाजी खरे, वो ऐसे शाइनर सी फील होती है ना, फेक नहीं है। हाँ अपा रियल है, हाँ तो फेक होता नहीं है, नहीं होता फेक, है ना। लेकिन लिप्स भी साथ नहीं दे रहे, पता है कि आप स्माइल फेक कर रहे हो, लिप्स ऐसे ऐसे करने स्टार्ट कर देते हैं। क्वालिटी है, चलो ठीक है, मतलब मैं सही हूँ बिल्कुल। तो चलिए फाइनली हमारा फोटो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भैया भी अपना सामान पैक कर रहे हैं, और इधर सनसेट भी हो रहा है, तो अभी हम घर को निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया और ठंड भी ज़्यादा हो चुकी है। भैया यहाँ पे जंगल में तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोर देखे यहाँ पे, मोर थे, मैं शूट नहीं कर पाया। तो ठीक है भैया, थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला मेरे लिए। जंगल में आने का एक नुकसान, हम रास्ता भूल गए, भटक चुके हैं, अब दोबारा वापस जा रहे हैं, गलत रास्ते आ गए। अभी नीचे जाना है हमें उस पोल की तरफ, और ये कांटे बहुत दुखी कर रहे हैं। जैकेट फाड़ दी इसने ना, फट गई। फोटोस आ जाएगी हमारी, और हम बताएंगे हमने क्यों आज फोटो शूट करवाया, और आपको ये सारी फोटोस इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी देखने के लिए। भैया आप ठीक है, रास्ता सही है ना, अब तो नहीं गलत, जंगल में फंस गए अब तो आज। और ऐसे लग रहा है जैसे हम शिकार करने के लिए निकले हुए हैं। फिर से शर्ट फंस गई, अच्छा होता बैग ले आता, बस यहाँ से निकल जाऊँ फिर चैन में चैन आएगा, नहीं तो अभी डर लग रहा है। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा रास्ता अभी कुछ सही आ रहा है, तो कुछ इस तरह से करवाया आज हमने अपना फोटो शूट, वो भी लाइफ में पहली बार इतना रिस्क लेकर। तो फिलहाल मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, और सबसे पहले तो करते हैं अपना हेड वॉश, हेयर वॉश। मम्मी इधर करते हैं शाम के टाइम पूजा, तो अभी जस्ट अपना हेयर वॉश किया, और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऐसे हेयर स्टाइल करके रखना अच्छा नहीं। तो मम्मी आज क्या हुआ, लेटे हुआ वैसे? क्यों सोच रहे हो कुछ? नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं सोच रही। तो आज खाने में क्या है? चावल बनाए आज? अच्छा अच्छा, आज दोपहर मैं आया नहीं ना, मैं थोड़ा अपने काम में बिजी रहा, और उसके बाद अपना फोटो शूट करवाने भी चला गया था। तो मैंने बोला था मम्मी को कि चावल बना देना, फिलहाल चावल तो नहीं बना, तो कोई बात नहीं, अभी शाम का टाइम है, और शाम के टाइम चावल मम्मी कह रही कि नहीं खाने चाहिए, तो नहीं खाएंगे, चपाती इजली बन जाए, चपाती खाएंगे, हल्का फुल्का खाना, और चावल कल खाएंगे, कड़ी पड़ी हुई है ना, कल बनाना फिर चावल, ठीक है।
ना वीडियो एडिट करके फ्री हूँ और वीडियो अपलोड कर दिया, बस अभी पब्लिश करना है इसको। काफ़ी टाइम से ये प्रोसेसिंग कर रहा था लेकिन अभी देखा मैंने ग्रीन सिग्नल आ चुका है और मम्मी ने खाना खा लिया और अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो अभी आज खाने में है दही पकौड़ियों वाले जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, साथ में साग और थोड़ा सा घी डाला, साथ में चपाती। मम्मी ये कहाँ से आया साग आज? है भाई साग हमने घर पर नहीं बनाया, साग बनाया है हमारे नीचे पड़ोसी है, तो पड़ोसी है उन्होंने साग भेजा है। तो ये होता है गांव में ना, मतलब कि ये सब्जी की कोली एक्सचेंज कर लेते हैं, यही प्यार होता है। तो चलिए फिलहाल खाना खाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। अभी रात के 8:50 हुए और अभी खाना को ना खा के हम फ्री हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा आज थक गए हूँ। आप समझ गए हो कि क्यों थक गया था आज फोटोशूट करवाने के लिए, जिसकी वजह से पहाड़ियों में कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, जिसकी वजह से पूरी बॉडी टायर्ड है। तो अभी धमाकेदार नींद आने वाली, धमाकेदार ऐसे कि मैं सीधे ही रेस्ट करके सोना चाहता हूँ और मम्मी भी फिलहाल सो रहे हैं। मम्मी गुड नाइट, ठीक है। और दूध तो आज नहीं पियेंगे क्योंकि मैंने अभी साग खाया, दही खाया, दही के साथ दूध खाना मैं यही बोल रहे हैं कि सही नहीं है। तो फिलहाल मेरे लिए ये वाला जो फोटोशूट था ना, कुछ इसका बहुत बड़ा मोटिव नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था ये, क्योंकि बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी प्रोफेशन से रिलेटेड था। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्यों ज़रूरी था। एक्चुअली आपने मेरा चैनल देखना, उसमें जो चैनल आर्ट है ना सबसे आगे, तो कश्मीर का फ़ोटो है लगा हुआ, लाल रंग का पेन रखा हुआ है और चेक की शर्ट डाली, बिल्कुल इस शरीफ से बन के बैठे हुए ऐसे, क्योंकि जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था 2018 की बात है, तब मेरे फ़ोन में जो फ़ोटो थी चैनल आर्ट मेरे को बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं शुरू से मेहनत करता रहा, YouTube से ही सीखा सब कुछ ये कैसे करना है, तो वहीं से सीख सीख के मैंने बनाया और वैसे एडिटर लगा दी। तो फिर अभी सोचा कि नहीं यार, अभी चैनल आर्ट थोड़ा सा ना इम्प्रेसिव होना चाहिए, तो मैंने एक नया चैनल आर्ट बना रहा हूँ जो कि इस पे कुछ दिनों तक नया वाला आ जाएगा। तो अभी आप जाके देखना कि वो कैसा है और कुछ दिनों बाद ये चेंज हो जाएगा। और अपनी लाइफ में मैंने पहली बार फ़ोटोशूट करवाया, बहुत अच्छा लगा और जो इसका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े। और जो एक स्माइल वाला है ना, ऐसे हंसाते हैं फोटोग्राफ्स, हंसो तो ऐसे ऐसे ना फरकना स्टार्ट हो जाता है, हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक नेचुरल है, मतलब कि ज़बरदस्ती हंसा रहे हैं ना, तो अंदर से नहीं हंसा जा रहा। एक तो होता है कि नेचुरल आपको हंसी आती है तो वो ठीक रहती है, उसमें नहीं होता, लेकिन जो ऐसे ना ऐसे खड़े हो जाना बुत बनकर, तो थोड़ा सा ये फ़र्क रहा था हमारा लिप्स। तो भैया भी बोल रहे कि ये बिल्कुल ही हमें भी ऐसे ही होता है, ये प्योर इमोशंस होते हैं आपके, क्योंकि आप फेक नहीं हंस पा रहे हो। तो बस ये था, तो चैनल आर्ट के लिए मेरे को ये सारे फ़ोटोशूट वगैरह करवाने पड़े। तो पहले मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो और मेरे जो कपड़े वगैरह गाड़ी में सुबह उठाएंगे, तो सब कुछ सामान उसी में है, तो पहली बार इतना सामान लेके गया, अकेला फोटोशूट करवाया। एक्चुअली जिनसे मैंने फ़ोटोशूट करवाया वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो मेरे को भी चाहिए था कि कुछ बढ़िया सा तैयार करें, और कुछ काम वीडियोस वगैरह तो मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन कुछ एडिटिंग के काम जैसे चैनल आर्ट वगैरह बनाना मैं उनसे करवा लूँगा। एडिटिंग तो वैसे मैं खुद करता हूँ अपनी, लेकिन चैनल आर्ट मेरे को बनाना था, जिसके लिए आज ये सारा कुछ मेरे को करना पड़ा। तो चलिए अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और कैसी रही हमारी फ़ोटोशूट जंगल में तो कमेंट करके बताना, और बाकी तो सब दिखाई दिया आपको। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को अनुकुश अभिनेत्री फैमिली की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट।